रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण को आज भी काफी पसंद किया जाता है। इस शो को लेकर लोगों की काफी श्रद्धा है। इस शो में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले स्टार्स को असल जिंदगी में भी दर्शक भगवान का दर्जा देते हैं। इसी बीच लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सुनील को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि राम यानी अरुण गोविल और सीता माता दीपिका चिखलकिया को खास न्योता भेजा गया है। इनविटेशन ना मिलने को लेकर सुनील को काफी बुरा लगा है। सुनील ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। सुनील लहरी ने हाल ही में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन नहीं मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको बुलाया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता तो अच्छा लगता। खैर, इस बात से ज्यादा निराशा नहीं हुई मुझे। इसके बाद सुनील लहरी ने 2024 को होने वाले कार्यक्रम से खुद को बाहर रखने के बारे में भी बात की। सुनील ने कहा कि शायद कार्यक्रम के आयोजकों को लगता होगा कि लक्ष्मण यानी मेरा किरदार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ही उन्होंने इनवाइट नहीं किया या फिर पर्सनली मुझे पसंद नहीं करते हो। इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि रामायण शो के अन्य किरदारों में से भी किसी को भी इस कार्यक्रम के लिए इनविटेशन नहीं भेजा गया। सुनील की इन बातों से साफ है कि वे इस कार्यक्रम में जाना चाहते थे, लेकिन इनविटेशन न मिलने की वजह से रे नहीं गए। आपको बता दें कि लक्ष्मण यानी सुनील लहरी एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। वे आए दिन रामायण से जुड़ी पुरानी यादों के साथ अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर सुनील की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।